आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अंडी. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. शुक्रवार की सुबह बेलगाम में गजराज दाखिल. संकेश्वर के पास शॉर्ट सर्किट से जली ट्रैवल बस. इनरविल क्लब द्वारा संचालन सहायता एवं शैक्षिक सहायता का वितरण. जंगल हाथी ने जनरेटर सहित ट्रॉली को पलट दिया. रोटरी द्वारा अयोध्या महानाट्यम. खानापुर में भी दुकान की साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा अनिवार्य. कालाधीन अपराध में महादेव पटेल को सशर्त जमानत. कन्नड़ शक्ति के संबंध में महाराष्ट्र सरकार को पुनः पत्र. अभिनेत्री अर्क रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव साउथ सेंचुरी आणि रोटरी क्लब ऑफ बेळगाव फाउंडेशन आयोजित दिनांक 9 आणि 10 मार्च 2024 रोजी मालिनी सिटी इथे महानाट्य सादर होणारे अयोध्या. मी बेळगाव मधील सगळ्या जनतेला विनंतीचं आवाहन करेन की या महानाट्याला तुम्ही भरभरून प्रतिसाद द्या, कारण या महानाट्यातून जो निधी मिळणार आहे तो एका सामाजिक कार्यासाठी वापरला जाणार. ते सामाजिक कार्य म्हणजे एक रक्त पिढी निर्मित केली जाणार आहे, ज्याचा वापर आपण बेळगावमधली सगळी जनता सगळा परिसर करू शकता. मी सगळ्यांना सांगते, देणगी पत्रिका तुम्हाला विविध केंद्रावर आणि ऑनलाईन उपलब्ध होईल. खूप भरभरून प्रतिसाद द्यावा. ऑल द बेस्ट. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएसई देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएसई दे टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर ते ही सर्वात कमी किमती. बीएसई दे टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. शुक्रवार की सुबह बेलगाम शहर के पास हाथी के घुसने की घटना बसो कॉलोनी बी के कंगराली इलाके में हुई है. नागरिक हाथी को देखने के लिए उमड़ पड़े. जंगल से आती अब नगर निगम क्षेत्र में पहुंच गया है. बसव कॉलोनी बॉक्साइट रोड इलाके में जब एक हाथी को देखा गया तो कई लोग खुश भी हुए और कई लोग डर भी गए. इसे देखने के लिए कई लोग उमड़ पड़े और अपने मोबाइल फोन से हाथी की तस्वीरें लेने से दंग रह गए. संकेश्वर के पास शॉर्ट सर्किट से जली ट्रैवल बस. पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर संकेश्वर के पास आज शुक्रवार को सुबह 5 बजे सोलापुर गेट के पास एक निजी ट्रैवल्स बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. इसमें कीमत सामग्री के साथ साथ पूरी बस जल गई. सौभाग्य से ड्राइवर क्लीनर समेत 40 यात्री बच गए. इनरविल क्लब द्वारा संचालन सहायता एवं शैक्षिक सहायता का वितरण.
खानापुर तालुका में भीमगढ़ अभयारण्य के दूरदराज के इलाकों में स्कूलों को शैक्षिक सामग्री प्रदान की गई। ऑपरेशन मदद समूह और इनरवीर क्लब बेलगाम की ओर से हिम्मतगा, पाली और मेंडिल गांवों के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को शैक्षिक सामग्री प्रदान की गई। सबसे पहले इनरवीर क्लब ने ऑपरेशन मदद ग्रुप के राहुल पाटिल के माध्यम से इन सभी गाँवों में प्राथमिक विद्यालयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद कुछ स्कूल बैग की पेशकश की। बाकी स्कूल बैग के साथ साथ सभी छात्रों को नोटबुक, पेन जैसी शैक्षिक सामग्री दी गई। जंगली हाथी ने जनरेटर सहित ट्रॉली को पलट दिया। पिछले कुछ दिनों से चंदगढ़ तालुका में तैनात टस्कर ने बुधवार रात और गुरुवार दोपहर को बेकिनकेरे गांव में गोलीबारी की। बेकिनकेरे टस्कर चंदगढ़ तालुका के गांव से सुंडी गांव की ओर जाने वाली सड़क पर शशिकांत पाटिल के खेत में घुस गया और वहाँ ट्रॉली और जनरेटर को नष्ट कर दिया। हाथी ने ट्रैक्टर ट्रॉली पलट दिया। रोटरी द्वारा अयोध्या महानाट्यम। रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम साउथ फाउंडेशन द्वारा अयोध्या महानाट्य का आयोजन किया गया। शनिवार रविवार को आयोजन ओल्ड पीबी रोड मालिनी सिटी में होगा। महानाट्य प्रतिदिन शाम 6 बजे प्रारंभ होगा। मंच पर महानाट्य के माध्यम से राम जन्मभूमि के विरोधाभासी इतिहास और शौर्य के प्रेरकगाथाओं की सुंदर प्रस्तुति दी जाएगी। खानापुर में भी दुकान के साइन बोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा अनिवार्य। प्रतिष्ठान दुकानें नेम प्लेट पर 60% अंतरिक्ष पर कन्नड़ अक्षर लिखने का राज्य सरकार ने मजबूर किया है। शहर की सभी दुकानों पर 60% स्थान पर कन्नड़ अक्षरों को उकेरने का आदेश जारी किया गया। यह अपील कुर्बेट ने की है। कालादीन अपराध में महादेव पाटिल को सशर्त जमानत। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता महादेव पाटिल पर मामला दर्ज कर लिया गया था। सशर्त जमानत प्रथम श्रेणी न्यायाधीश मैजिस्ट्रेट का दूसरा न्यायालय गुरुवार को मंजूरी दे दी गई। वैभव कुट्रे ने कार्य का निरीक्षण किया। कन्नड़ शक्ति के संबंध में महाराष्ट्र सरकार को पुनः पत्र। कर्नाटक सरकार ने व्यवसाय करने वाली दुकानों के साइनबोर्ड पर 60% कन्नड़ भाषा को जबरन लागू कर दिया है और बेलगाम नगर निगम ने अपनी अधिकारियों को प्रतिष्ठानों में भेजकर दमनकारी नीति अपना रही है। मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा है। एकनाथ शिंदे और सीमा समन्वय मंत्री श्री शंभुराज देसाई को मराठी लोगों के खिलाफ इस कृत्य के बारे में सूचित करने के लिए मनोहर किनेकर, महासचिव मानोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरकाले ने हस्ताक्षर किए। इस बुलेटिन में वक्त का छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। गणेशोत्सव अभी 7 महीने दूर है, लेकिन अब से वन आदि के दौरान पीओपी से गणेश प्रतिमाएं बनाने और हरित पटाखों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे ने कमर कस ली है। मंत्री खंडरे ने पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मूर्तिकारों, पीओपी व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों को नोटिस जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि गणेश मूर्ति के लिए शाडू का इस्तेमाल किया जाए, इसे क्रियान्वित करने का प्रयास करें। आर्ट सर्कल द्वारा रविवार संगीत समारोह। आर्ट सर्कल बेलगाम द्वारा रविवार को एक दिवसीय संगीत समारोह रीस थिएटर पोनवार गली में आयोजित किया जाएगा। सुबह का सत्र 9:30 बजे और शाम का सत्र 5:30 बजे शुरू होगा। इस महोत्सव का आयोजन ITC की संगीत अनुसंधान अकादमी कोलकाता द्वारा किया गया है। बूढ़ा को छोड़कर 44 निगम अध्यक्षों की घोषणा।
राज्य सरकार ने निगमों के अध्यक्षों के चयन की घोषणा कर दी है। कुल 44 लोगों को निगम मंडलों के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि बेलगाम शहर विकास प्राधिकरण यानी बूढ़ा अध्यक्ष के चुनाव में घोषणा नहीं आई है। कंगराली क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की फसल का चलन बढ़ा। कंगराली खुर्द क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की फसल की ओर किसानों का रुझान बढ़ा है और किसानों का कहना है कि यह लाभदायक है क्योंकि इसके पैदावार मानसूनी धान की तुलना में अधिक होती है। कल युवा समिति द्वारा मराठी भाषा दिवस। शनिवार को युवा समिति की ओर से मराठी भाषा गौरव दिवस समारोह मराठा मंदिर में सुबह 11 बजे है। इस अवसर पर युवा समिति द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण, आदर्श विद्यालय पुरस्कार वितरण एवं सफलता उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इस समय प्रोफेसर आनंद मेनसे मराठी भाषा का विकास मेरी जिम्मेदारी विषय पर व्याख्यान देंगे। मराठा मंडल कॉलेज में मनाया गया मराठी भाषा दिवस। मराठा मंडल कला वाणिज्य विज्ञान एवं गृह विज्ञान महाविद्यालय मराठी विभाग की ओर से मंगलवार को मराठी भाषा गौरव दिवस मनाया गया। लाइब्रेरियन सुरेखा कामुले मुख्य वक्ता थी। मराठी विभाग अध्यक्ष डॉ. वृषाली कदम ने स्वागत एवं परिचय दिया। गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कुसुमाग्रज की छवि का पूजन किया। इसके बाद काव्य पाठ का कार्यक्रम हुआ। मूल्यांकन परीक्षा के संबंध में KACB से मार्गदर्शन। राज्य परीक्षा बोर्ड 5वीं 8वीं और 9वीं की मूल्यांकन परीक्षा 11 मार्च से आयोजित करेगा। इस संबंध में परीक्षा बोर्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्गदर्शन दिया। KACAB बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों के लिए केवल प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। परीक्षा दे रहे छात्र उत्तर पुस्तिका अवश्य लाए। मूल्यांकन परीक्षा विभाग स्तर पर आयोजित की जाएगी और संबंधित स्कूलों को इसकी पूरी योजना बनानी होगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।